नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आईसीसी हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। जो बेहतरीन प्रदर्शन रहता है एक महीने के दौरान खिलाड़ियों का, उन खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और ऐसे में जब अगस्त महीने का ये अवार्ड दिया गया तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मेंस कैटेगरी में चुना गया, वहीं आयरलैंड के खिलाड़ी एमियर रिचर्डसन को वुमेन कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजा गया। जो रूट का शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाफ देखने को मिला टेस्ट सीरीज के दौरान, वहीं आयरलैंड के खिलाड़ी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस वजह से उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। वहीं आईसीसी ने एक नया अवार्ड भी इस दौरान दिया और जो अवार्ड था वो बड़ा चौंकाने वाला नज़र आया। और साथ ही साथ मजाकी अंदाज में देखें तो एक कुत्ते को अवार्ड आईसीसी देता हुआ नज़र आया। आईसीसी ने एक फ़ोटो शेयर करते हुए ये लिखा कि डेजल द डॉग, और साथ ही साथ उन्होंने एक कुत्ते की फ़ोटो शेयर की जिसने बॉल को मुंह में दबाया हुआ है। और आईसीसी ने कैप्शन में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि इस बार हमारे पास प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए एक और विनर है। ये कुत्ता लाइमलाइट में इसलिए रहा क्योंकि आयरलैंड के एक घरेलू मैच चल रहा था, सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था आयरलैंड की दो टीमों के बीच में। उस दौरान जब फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी ने, फील्डिंग जो कर रही थी खिलाड़ी, वुमेन कैटेगरी में का ये मैच चल रहा था, उस दौरान फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी ने बॉल जो थी वो विकेट कीपर को फेंकी और विकेट कीपर ने उस बॉल को विकेट पर मारना चाहा, लेकिन वो विकेट से चूकती हुई मैदान में बॉल चली गई। और इसके बाद एक कुत्ता वहाँ मैदान में दौड़ता हुआ नज़र आया और उसने उस बॉल को मुंह में दबा लिया। उसके पीछे उसका मालिक एक छोटा बच्चा भी दौड़ता हुआ नज़र आया और ये बड़ा मजाकिया अंदाज उस समय क्रिकेट फील्ड पर देखने को मिला। ऐसे कई देखने को चौंकाने वाले जो सीन है वो देखने को मिल जाते हैं क्रिकेट मैच के दौरान में। पिछले दिनों भारत और इंग्लैंड की जब मैच चल रहा था उस दौरान भी एक आदमी भारतीय टी शर्ट के दौरान भारतीय टी शर्ट पहनकर नज़र आया था, वो भी देखने वाली बात थी। और वहीं अब जो कुत्ता नज़र आया आयरलैंड के घरेलू मैच के दौरान, सेमीफाइनल मुकाबला T20 लीग का खेला जा रहा था, उस कारण से, उस लाइमलाइट आने की वजह से उस कुत्ते को आईसीसी ने इस अवार्ड से उसे नवाजा है। और आईसीसी ने लिखा कि हमारे पास एक अतिरिक्त खिलाड़ी है इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने के लिए। ये कुछ अंदाज नज़र आया आईसीसी का। और आपकी क्या राय इसको लेकर, पूरे वाक्य को लेकर, क्या आपने वो वीडियो देखा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।